गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 27 to 29 September 2020 करेंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई का भी डेट आ गया है मेंस के लिए, 22 November को दिया गया है। तो रिवीजन शुरू कर दीजिए करेंट अफेयर्स का, और हमारे वीडियो से आप लोग करेंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए। आप डिटेल जहां से भी पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, बस रिवीजन जब एमसीक्यू का करना हो हमारे वीडियो से कीजिए। आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा करेंट अफेयर्स को याद रखने में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का हमारा सेशन। Which organization has announced a hackathon named Kritagya Krishi Takniyan under NAHEP to promote for farm mechanization? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि अनाउंस किया है, एक अनाउंस किया है एक हैकाथन नेम कृतज्ञ NAHEP के अंडर में, ताकि जो फार्म मैकेनाइजेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। यह आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, ठीक है दोस्तों। ये बाकी के जो है इसके जो फुल फॉर्म्स है इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच एजेंसी अलॉन्ग विथ नीति आयोग लॉन्च स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी पोस्ट COVID-19? तो कौन सा एजेंसी है जिन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी कोविड के बाद का? यह है आपके इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज ए नेशनल मेडिकल कमीशन रिसेंटली। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NMC? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको नेम चेंज करके जो है नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है। तो फर्स्ट चेयरमैन किसको बनाया गया है NMC का? ये है आपके सुरेश चंद्र शर्मा। ये है सुरेश चंद्र शर्मा, इनको ये है फर्स्ट चेयरमैन, और डॉक्टर RK वत्स जो कि सेक्रेटरी बने हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। Which ministry has announced the setting up of plastic parks throughout the country? तो कौन सा ministry है जिन्होंने कि अनाउंस किया है कि वो पूरे कंट्री में जो है प्लास्टिक पार्क्स बनाएंगे? ये है आपके केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर। India's first regional rapid transit system train will provide its services to Delhi, Ghaziabad, Meerut, RRTS by which year? तो इंडिया का पहला जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन जो है वो आपका डेली गाजियाबाद मेरुट रूट पे जो है आपका सर्विस कौन से ईयर से शुरू कर देगा? यह आपके 2022। नेम द बैंक विच हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने की पार्टनरशिप किया है आपके बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग के साथ? यह आपके एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग के साथ। फाइंड द कंपनी व्हिच हैज गॉट RBI इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप अ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि RBI से अप्रूवल मिल चुका है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट अपना सेटअप करने के लिए? यह आपके वकरंगी लिमिटेड। वकरंगी लिमिटेड इनको जो है आपका परमिशन मिल गया है। हाउ मच फोर्थ लोन वॉज अप्रूव्ड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन प्रोजेक्ट इन राजस्थान मध्य प्रदेश? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अर्बन प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने लोन जो है वो आपके सैंक्शन हुए हैं? यह आपके $570 million। विच कंपनी हैज लॉन्च कैंपेन नेम्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन? तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन? यह है आपके SBI कार्ड। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंक्ड MOU विद UNOCT एज ए फर्स्ट प्राइवेट पार्टनर टू कोऑपरेट ऑन इंडियन फंडेड सिटी ट्रैवल प्रोग्राम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IATA? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इन्होंने एक MOU साइन किया है UNOCT के साथ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये है आपके मॉन्ट्रियल कैनाडा। मॉन्ट्रियल कैनाडा में जो है IATA का हेडक्वार्टर है।
Who has officially presented the National Service Scheme Award for the year 2018-19? तो 2018-19 के लिए National Service Scheme Award जो है किन्होंने virtually present किया है? यह आपके रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद ने जो है virtually present किया है National Service Scheme Award. Who among the following has won the IAIFF Women's Footballer of the Year Award 2019-20? Gurpreet Singh Sandhu won Men's Player of the Year Award 19-20. तो कौन सा इनमें से किन्होंने जो है IAIFF Women's Footballer of the Year Award जीता है 2019-20 के लिए और गुरप्रीत सिंह संधू जो है उनको Men's Player of the Year Award मिला है 2019-20 के लिए. यह आपके संजू यादव, संजू यादव ये देख सकते हैं इनको मिला है Women's Footballer of the Year Award. Which country hosted the virtual ministerial roundtable dialogue on biodiversity beyond 2020? Prakash Javadekar represented India. तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने की होस्ट किया है आपका ministerial roundtable dialogue on biodiversity beyond 2020? प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट किया था. यह आपके चाइना. इंडिया पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू को डेवलप हाईटेक वेपन सिस्टम. तो को इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप किया है, कौन से कंट्री के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो दोनों मिलकर साथ में हाईटेक वेपन सिस्टम को डेवलप कर सके? ये आपके इजराइल. When was World Contraception Day observed annually? तो contraception day कब मनाया जाता है? ये आपके September 26 को World Contraception Day मनाया जाता है. UN International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapon is annually observed on September 26. Since which year? तो हर September 26 को जो है Elimination of Nuclear Weapon Day जो है वो celebrate किया जाता है UN की तरफ से. तो ये कौन सी ईयर से शुरू हुआ है? ये आपके 2014 से जो है ये International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapon celebrate किया जाता है. World Environmental Health Day is annually observed on September 26. What is the theme of the World Environmental Health Day 2020? तो World Environmental Health Day जो है हर साल September 26 को celebrate किया जाता है. तो इस बार का जो है World Environmental Health Day का theme क्या रखा गया है? यह आपके Environmental Health, a key public health intervention in disease pandemic prevention. The cable state bridge constructed across which lake was inaugurated in Telangana recently claimed as the world's longest precast segmental span. तो cable state bridge एक construct किया गया है आपका तेलंगाना में कौन से लेक के ऊपर जिसको कि क्लेम किया जाता है वर्ल्ड का सबसे लंबा जो है इस तरीके का ब्रिज है. यह आपके दुर्गम चेरुवु जो है ये ब्रिज आपका लेक के ऊपर जो है ये इनोग्रेट ये आपका बनाया गया है. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस. जम्मू एंड कश्मीर को जो है कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हुए हैं? ये आपके 5. हाउ मच वॉज एक्सटेंडेड एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंट बाई इंडिया टू श्रीलंका फॉर प्रोमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टाइज बिटवीन टू कंट्रीज. तो आपके इंडिया ने श्रीलंका को कितने पैसे देने का जो है ये आपका बोला गया है बुद्धिस्ट टाइज के लिए? यह आपके USD 15 मिलियन जो है आपका दिया जाएगा इंडिया की तरफ से श्रीलंका को. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना फॉर फार्मर्स. 4000 विल बी ट्रांसफर टू फार्मर्स एनुअली. तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आपका लॉन्च किया है जिसके तहत 4000 रुपए जो है हर साल फार्मर्स को दिए जाएंगे? यह है आपके मध्य प्रदेश. नेम द स्टेट यूटी गवर्नमेंट व्हिच हैज लॉन्च पर्यटन संजीवनी स्कीम टू प्रोवाइड लोन बिटवीन 1 लाख एंड 20 लाख टू एंटरप्रेन्योर्स. तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने की पर्यटन संजीवनी स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत 1 लाख से 20 लाख तक का जो है आपका एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे उनको लोन दिए जाएंगे? यह आपके असम गवर्नमेंट, जे असम सर्वानंद सोनोवाल इनके चीफ मिनिस्टर असम के, इनके द्वारा दिया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांकेशन सिस्टम अबव डैश फ्रॉम January 1, 2020. तो RBI जो है उन्होंने एक पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया जिसके तहत चेक ट्रांकेशन सिस्टम जो है उसमें
जो है कितने पैसे से ज़्यादा होने पर जो है 1 जनवरी से ये किया जाएगा, ये है आपके 50,000। विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप? तो इंडिया कौन सा बैंक है जिन्होंने की पहला जो है वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया गया है, यह आपके HDFC बैंक। नेम द पर्सन हु हैज बीन रोप्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए, यह है आपके अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अपना कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 3-मेंबर कमेटी हेडेड बाय मीता मखान टू फंक्शन एज द एड इंटरिम MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो रिजर्व बैंक ने जो है एक 3 मेंबर का कमेटी बनाया है जिसका हेड मीता मखान को बनाया गया है, जो कि वो देखेगा MD एंड CEO एज ए पोस्ट संभालेगा आपका कौन से बैंक के लिए, यह आपके लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए जो है ये MD एंड CEO एज ए इंटरिम MD एंड CEO पोस्ट को संभालेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला बेस्ड स्टार्टअप एंट्री। तो केरला बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एंट्री, उनका उनको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, यह आपके रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अलापन बंदोपाध्याय हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट के लिए जो है अलापन बंदोपाध्याय को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, यह आपके वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए इनको नियुक्त किया गया एज ए चीफ सेक्रेटरी। हु हैज इनोग्रेटेड द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन थीम द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। तो कौन किन्होंने जो है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो है ये इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इनका जो थीम रखा गया है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, यह आपके अमित शाह। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। इशेर जज अलूवालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। इशेर जज अलूवालिया हाल में उनका निधन हो गया है, वो कौन से कंपनी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, यह आपके इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। द वर्ल्ड टूरिज्म डे वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 27। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है हर साल September 27 को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार का थीम जो है 2020 का क्या रखा गया है, यह है आपके टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। What is the theme of International Week of Deaf 2020? तो International Week of Deaf 2020 के लिए जो है थीम क्या रखा गया है, Reforming Deaf People's Human Rights, ठीक है, ये आपका थीम रखा गया है। The World Deaf Day 2020 observed on World Deaf Day 2020 कब ऑब्जर्व किया जाता है, यह आपके September 27। Who has launched India Council of Medical Research ICMR's Vaccine Web Portal and National Clinical Registry for COVID-19? तो COVID-19 के लिए जो है एक वेब पोर्टल, वैक्सीन वेब पोर्टल जो है ICMR की तरफ से लॉन्च किया गया है, इसको किन्होंने लॉन्च किया है, यह आपके हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। नेम द ऐप विच वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ड्यूरिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन 2020। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 के तहत हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का नाम क्या है, यह आपके साथी, साथी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, रिविजन करते रहिए, आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।